Hey everyone, the subsequent watching the Desi Smith YouTube channel. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Google Ad अकाउंट पे कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो और ऐड करा सकते हो अपने वीडियोस को। हालांकि इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बने पड़े हैं YouTube पे, पर किसी में भी उतने अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया है जिसके जरिए बंदे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं पर उन्हें व्यूज गेन नहीं हो पाता है। क्योंकि कैंपेन के ट्यूटोरियल्स देखना आसान है पर कैंपेन के सेटिंग्स को समझना मुश्किल। अगर आप इसे समझ जाते हो अच्छे तरीके से तो भाई आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर पाओगे और सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के लिए। तो दोस्तों अगर आपको समझना है कैंपेन के सेटिंग्स को बहुत ही ब्रीफली तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 2000 रुपए का क्रेडिट अमाउंट मिलता है, अप टू वाला 2000 एड क्रेडिट। समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अभी के अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख लो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाओ इस 2000 एड क्रेडिट के बारे में। भाई मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप चाहो तो इसे अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपने न्यू कैंपेन को स्टार्ट, जहाँ पे मुझे काफी सारे सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। एग्जाम्पल मुझे वीडियो ऐड कराना है तो भाई क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पे क्लिक करना होगा मुझे, जो आपको भी हमेशा के लिए क्लिक करना होगा। और कैसा ऐड मुझे कराना है भाई, तो मुझे वीडियो ऐड कराना है और बाकी के सेटिंग्स को वैसे ही रहने देना है। इसे छेड़ोगे भाई तो आपका ऐड पता नहीं कहाँ कहाँ दिखेगा, तो उन सबको छोड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आ गए हम अपने मेन सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंपेन नेम। तो भाई मुझे नेमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने कैंपेन का नाम लिखता हूँ द देसी स्मिथ। नेमिंग तो मैंने कर दिया। तो भाई अब आ जाते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी पे। बिडिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है, तो भाई यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एक व्यू का पैसा दोगे या एक इम्प्रेशन का पैसा दोगे। गूगल दोनों में खुश है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू कि मैं व्यूज पे पैसा दूंगा। भाई इंप्रेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी दो, मुझे व्यूज से मतलब है। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम अपने बजट सेक्शन पे, जहाँ पे हम अपने पैसे को डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना पैसा खर्च करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है डेली बजट, तो आप डेली कितना पैसा खर्च करोगे अपने वीडियो ऐड के लिए। और फिर आता है कैंपेन टोटल, मतलब एक वीडियो पे आप पूरा पैसा कितना लगाना चाहते हो। अगर मैं 100 लगाता हूँ तो मेरा वीडियो ऐड 100 रुपये में ही रन होगा, जितना दिन भी रन हो। आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो सिर्फ कैंपेन टोटल पे। पर डेली बजट में होता क्या है कि आप जितना भी पैसा लगाओगे डेली लगेगा, मतलब अभी आप 10 रुपये का लगाओगे तो 10 रुपये डेली लगते जाएगा आपके वीडियो ऐड पे। तो मैं यहाँ पे 10 रुपये ही ऐड कर देता हूँ कि मेरा डेली बजट है 10 रुपये। और फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पे भी एंड डेट का ऑप्शन मिलता है, आप उसे एडिट के जरिए सेलेक्ट कर सकते हो, पर इसे आप ना ही करो तो बेटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेटवर्क्स पे। तो भाई यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स जहाँ पे आपका वीडियो ऐड शो होगा, फिर वीडियोस रिकमेंडेशंस पे या होम पेजेस पे वहाँ पे शो होगा, पर वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क तो भाई इसे अनटिक कर देना। ठीक है, इसे आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये आपके वीडियो को कोई भी वेबसाइट पे शो करा देगा, तो ये आपको नहीं करना है। फिर आ जाते हैं लोकेशन पे। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने वीडियो के हिसाब से लोकेशन चूज कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन आप चूज कर लो, आपका वीडियो वही लोकेशन पे शो होगा। जैसे यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और डिस्ट्रिक्ट भी। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा है इंडिया, और अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा व्यूज चाहिए तो आप अदर कंट्रीज भी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको लो कॉस्ट व्यूज मिल जाएंगे, एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे एड रेट्स काफी ज्यादा कम है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। तो भाई आप सुन रहे हैं मेरी आवाज जो कि हिंदी में है, तो मेरा लैंग्वेज क्या हुआ, हिंदी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज हिंदी, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा है हिंदी। अगर आपका बंगाली है, तमिल है या जो भी लैंग्वेज आप वीडियो बनाए हो जिस पे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि गूगल के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। मैंने यहाँ हिंदी पे सेलेक्ट करके छोड़ दिया है। फिर आ जाते हैं इन्वेंट्रीज टाइप्स पे। तो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री सभी सेलेक्ट करते हैं, पर हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं तो आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दो ऑप्शंस को टिक करना है और एक को हटाना है।
फर्स्ट वाला ये, इसे आप टिक कर दो जो आपके एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस पे आएगा, फिर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे आएगा। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट हो चुका है। अब जो ये कंटेंट नॉट येट लेबल्ड है, इसे आपको अनटिक कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेनली अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिशनल सेटिंग्स। आगे बढ़ने से पहले इस सेक्शन को जरूर देखना, आप जो देख रहे हो ना, इस सेक्शन को जरूर देखना, मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स मिल जाते हैं, डिवाइसेस मिल जाते हैं, फ्रिक्वेंसी कैपिंग और ऐड शेड्यूल। वैसे ऐड शेड्यूल और कन्वर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, मुझे ज़रूरत है डिवाइसेस और फ्रिक्वेंसी कैपिंग। तो डिवाइसेस पे आपको सेलेक्ट करना है और सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। तो मेरा वीडियो बहुत कम कॉस्ट का है, तो मैं क्या करता हूँ कि कंप्यूटर को हटा देता हूँ, टैबलेट को हटा देता हूँ, और टीवी पे भाई क्यों ऐड दिखाऊंगा मैं, तो टीवी को भी हटा देता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स पे ही ज़्यादा बेटर और कम पैसे में आपको ऐड मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं आपको फ्रिक्वेंसी कैपिंग। यहाँ पे होता क्या है कि आप एक ऐड को एक ही व्यूअर को कितनी बार दिखाना चाहते हो, दिन में या महीने में। देखो, फ्रिक्वेंसी सेटिंग सेट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, और व्यूज़ कैप पे आपको 1 सेट कर देना है, और फिर फ्रिक्वेंसी पर डे भी सेट कर सकते हो एक व्यूअर के लिए, पर वीक भी और पर मंथ। तो मैं यहाँ पे अपने केस पर मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो इन दोनों सेटिंग्स को मैंने कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं ऐड ग्रुप नेम पे। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम डाल सकते हो। वैसे मैंने तो बताया भाई, मुझे नेमिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभिषेक। ऊपर चैनल का नाम था, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ पीपल्स हु यू वॉन्ट टू रीच, डिफाइन योर ऑडियंसेस और डेमोग्राफिक्स और बोथ। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, मतलब यहाँ पे आप जेंडर चूज कर सकते हो कि कौन से जेंडर के लोग देखेंगे, फिर एज चूज कर सकते हो, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम। वैसे ये इंडिया पे अवेलेबल नहीं है, तो इसे आप चूज करो या ना करो बराबर है। तो मैं बताता हूँ कि मेरा वीडियो किन के लिए है। मेरा वीडियो अननोन के लिए तो नहीं है, मेरा वीडियो मेल फीमेल के लिए तो है। फिर एज ग्रुप्स में भाई, मेरे वीडियोस अधिकतर 18 से 24 और 25 से 34, यही एज ग्रुप के लोग ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा एज के लोगों को ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि बाकी सबको अनटिक करता हूँ और इन्हीं दोनों को सेलेक्टेड रहने देता हूँ। अब जाके पेरेंटल स्टेटस। तो भाई मेरा वीडियो पेरेंट और नॉट अ पेरेंट दोनों के लिए, क्योंकि इस एज में पेरेंट और नॉट अ पेरेंट दोनों आ जाते हैं। तो अननोन को अनटिक कर दे और बाकी दोनों को सेलेक्टेड। ठीक है, अब मेन आ जाते हैं ऑडियंसेस। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि कौन से ऑडियंसेस को आप टारगेट कर रहे हो अपने वीडियो के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा था मोबाइल एंथुजियास्ट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, और वीडियो गेम्स और टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप इन सभी में से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप सर्च कर सकते हो अपने वीडियो के टाइप के हिसाब से। जैसे आपका वीडियो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सोशल भी टाइप कर सकते हो, आपको उसके टाइप्स मिल जाएंगे और आप उसके जरिए अपने वीडियो को ऐड करा सकोगे। पर मेरा वीडियो तो नॉइस से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे टैग सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि नॉइस तो टैग में ही आ जाता है। तो टैग यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, जैसे टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, तो मोबाइल एंथुजियास्ट मेरे वीडियो के लिए सही रहेगा। तो इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह आप भी अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर ले और ऑडियंसेस को डिफाइन कर दे, जिससे कि आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे आएंगे, वो भी कम पैसे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है। तो आगे आ जाता है कंटेंट, वेर यू वॉन्ट योर एड्स टू शो, नैरो योर रीच विथ कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेनली पहले क्या होता था कि कुछ यूट्यूबर्स बता देते हैं कि कीवर्ड्स के जरिए आप अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से रन करा सकते हो ऐड पे, पर कुछ लोग यहाँ पे इतना नहीं करके ऊपर वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी बता देता हूँ। जैसे मेरा वीडियो है नॉइज रिडक्शन पे, तो हाउ टू रिमूव नॉइज, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिमूव नॉइज, तो यहाँ पे आप एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स मिल जाएंगे, मतलब कीवर्ड्स। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो आप राइट करना चाहो तो आप राइट भी कर सकते हो। ठीक है, पर मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ऐड तो डिस्कवरी ऐड है, इसलिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो ऐड को डिस्कवरी पे लगाऊंगा। जैसे होम पेजेस पे आएंगे एड्स, या तो वीडियो रिकमेंडेशंस पे, या यूट्यूब सर्चेस पे, तो वहाँ पे मेरे एड्स शो होंगे।
फिर टॉपिक्स भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप कौन से टॉपिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हो अपने वीडियो के हिसाब से। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, गेम्स से रिलेटेड तो गेम्स है तो यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता हूँ मेन प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट होता क्या है? तो भाई आपका वीडियो ऐड किन किन जगहों पर प्लेस करोगे आप, पर ये आप करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर की सेटिंग्स हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम करते हैं इसे स्किप। अब आ जाते हैं सबसे जरूरी सेटिंग्स पे, बिडिंग। तो भाई यही मेन सेटिंग्स है जिसके जरिए आप अपने व्यूज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर पाओगे। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम CPV, मतलब कॉस्ट पर व्यू आप कितना पैसा खर्च करोगे। तो मेरा वीडियो ऐड तो 10 रुपये डेली बजट का है तो मैं यहाँ पे 0.10 पैसा करता हूँ, क्योंकि डिस्कवरी ऐड है, मैंने स्किपेबल इन स्ट्रीम्स वाला ऐड नहीं सेलेक्ट करा है, बस अभी कोई सेलेक्ट करा ही नहीं है। तो आप पहले अपने वीडियो को ऐड करते हैं, मैं अपने बिडिंग को 10 पैसे पे ही छोड़ देता हूँ। तो अब चलते हैं वीडियो सेलेक्शन की ओर। अगर आपको चूज करना है कि आपके चैनल पे सबसे ज्यादा अच्छा वीडियो कौन सा है जो आपको व्यूज भी दे रहा है और सब्सक्राइबर भी दे रहा है सबसे ज्यादा, तो आप कैसे चूज कर सकते हो? तो भाई सबसे पहले आप जाओ एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि एडवांस मोड पे जाना है। एडवांस मोड पे आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको व्यूज बाय वीडियो, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से वीडियो आपको सबसे ज्यादा वॉच टाइम दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं और सब्सक्राइबर्स। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइबर्स। तो भाई मुझे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स दे रहा है हाउ टू क्रिएट वाइड वोड वीडियो लाइक सीकन, ये वीडियो मुझे बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर्स दे रहा है शुरू से, तो मैं इसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। पर मुझे प्रमोट करना है अपना नॉइज वाला वीडियो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपने चैनल के हिसाब से। मैं आता हूँ अपने वीडियो सेक्शन पे और सर्च करता हूँ अपने नॉइज वीडियो को। जैसे आपको सामने दिख रहा है मेरा नॉइज वाला वीडियो मुझे मिल चुका है, इसे मैंने करा है ओपन और ये लीजिए मैंने इसके लिंक को कॉपी कर लिया। अब इसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, बस आपका आधा से ज्यादा काम हो चुका है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वो दो सेटिंग्स जो मैंने आपको बताया था, वीडियो डिस्कवरी ऐड और स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जैसे आप कोई भी वीडियो ओपन करते हो तो आपको कुछ 6-7 सेकंड का स्किपेबल ऐड देखने को मिलता है, तो ये वही ऐड है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये 10 पैसे बिड में चलेगा ही। जैसे आपको बगल में दिख रहा है यहाँ पे आपको योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वीडियो डिस्कवरी ऐड पे, तो भाई आपको राइट साइड पे दिखेगा, तो भाई आपको राइट साइड पे इसके एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस भी दिख रहे होंगे। तो ये था इसका बिडिंग, क्योंकि वो कॉस्टली है और ये कम कॉस्टली है, तो यहाँ पे आप कम कॉस्ट पे वीडियो डिस्कवरी ऐड को चला सकते हो। आ जाते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइन को लिखने टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी बड़े ब्रांड्स को यहाँ पर नहीं लिख सकते, आप यूट्यूब तक को यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो ध्यान रखना ये बात को, ठीक है? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं How to remove noise, इतना मैंने लिख दिया। फिर description 2 में मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ subscribe to my channel, फिर next में मैं लिख देता हूँ अपने channel का नाम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फिर आ जाता है add name, तो आप यहाँ पे कोई भी name लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है 1। और हम totally ready हैं अपने campaign को start करने के लिए। और तो और मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे आपको दिख रहा है how to remove noise ये वाला option, ये इसी तरह का ऐड शो होगा एज यूट्यूब सर्च ऐड पे भी इस तरह का ऊपर पे ही शो होगा। फिर राइट साइड पे आपको दिखाता हूँ अवेलेबल इम्प्रेशन, 590 मिलियन इम्प्रेशन अवेलेबल है, पर भाई उतना पैसा मेरे पास है नहीं कि इतना ज्यादा इम्प्रेशन पे मैं खर्च कर पाऊँ। यहाँ जो नीचे योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस दिख रहा है जो बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग्स डेली बजट ऑफ 10 रुपीज एंड बिड ऑफ 0.10 पैसा है, तो यहाँ पे मुझे व्यूज मिलेगा 1K से 2.5K और इंप्रेशन मिलेगा 43K से 140K तक, और एवरेज कॉस्ट पर व्यू रहेगा 0.5 पैसा और 0.11 पैसा के बीच, और बजट स्पेंड होगा मेरा 95-100%। तो अब करते हैं हम अपने कैंपेन को क्रिएट, और आपको कुछ और भी चीजें बताता हूँ। जैसे जब आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कंटिन्यू टू कैंपेन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ है Congratulations, your campaign is ready. तो आपको डायरेक्टली कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक कर देना है, और आपके ऐड को अप्रूव होने में गूगल की ओर से कुछ
टाइम लगेगा और कभी कभी डिसअप्रूव्ड भी हो जाता है। तो भाई डिसअप्रूव्ड वाले एड्स के लिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो को यहीं तक रहने दें। कोई वीडियो पसंद आता है तो अभी कभी मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो या इससे रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को जरूर से जरूर दबाना। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।